हेलो फ्रेंड्स, सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ आखिरी चैप्टर है एनसीईआरटी 12th सेकंड वॉल्यूम का। तो बेसिकली ये हमें क्या बताता है कि जो हमारी डे टू डे लाइफ है उसमें केमिस्ट्री कैसे इन्वॉल्व है, मतलब हर जगह। आप सुबह उठते हैं तो आप अगर कुछ ब्रेकफास्ट कर रहे हैं तो उसमें भी फूड प्रिजर्वेटिव वाला आप कोई ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, ब्रेड खा रहे हैं तो ब्रेड इज ऑब्वियसली हैविंग सम प्रिजर्वेटिव। वहाँ हर जगह यूज होंगे जो पैक्ड फूड है, बिकॉज उस पैक्ड फूड को हम अदरवाइज कैसे उसको हम यूज कर सकते हैं, क्योंकि अगर वो किसी स्टोर पे दो दिन रखा है तो इफ़ यू आर परचेजिंग इज द नेक्स्ट डे, इफ इट कम्स ऑन 25 ऑन द स्टोर एंड यू आर परचेजिंग इट ऑन 26, देन इट शुड हैव सम काइंड ऑफ प्रिजर्वेटिव सो दैट इट कैन बी फ्रेश फॉर द यूज टू यू। सो हियर इज वेरी इंपॉर्टेंट द केस ऑफ प्रिजर्वेटिव। प्रिजर्वेटिव जो सिंपल फ्लेवरिंग एजेंट होते हैं, स्वीटनर्स होते हैं, तो बेसिकली दे आर ऑल प्रिजर्वेटिव। अपार्ट फ्रॉम दैट, टेबल सॉल्ट, शुगर, वेजिटेबल ऑयल, दीज आर ऑल प्रिजर्वेटिव। क्लिनजिंग एजेंट जैसे सोप्स हैं, शैम्पूज हैं, और यू कैन से हैंड वॉश हैं, फेस वॉश हैं, डिटर्जेंट्स हैं, सो दीज आर ऑल क्लिनजिंग एजेंट। तो बेसिकली जब यहाँ पे हम जहाँ पे हमें किसी चीज़ की सफाई करनी है, सो बेसिकली केमिस्ट्री इज इन्वॉल्व इन ईच एंड एवरी पार्ट। जैसे फिजिक्स हम कहते हैं इन्वॉल्व है, तो ऐसी केमिस्ट्री भी हर जगह इन्वॉल्व है, जहाँ भी हम रहें, जिस भी सराउंडिंग में हम रहें, केमिस्ट्री इज वेरी वेरी रिलेवेंट एज फार एज आवर डेली लाइफ इज कंसर्न। इसके अलावा हमें जो पढ़ना होता है, हम एक एंटा एसिड्स हम पढ़ सकते हैं, जो हमें डिफरेंट एनर्जेटिक्स हमें लेने होते हैं, एंटा एसिड्स हमें पढ़ने होते हैं, वहाँ हम कर सकते हैं, एंटा एसिड्स हम वॉर्म कर सकते हैं, एनर्जेटिक। जैसे डिस्पिरिन है, डिस्पिरिन इज बेसिकली डिस्पिरिन जो हम हेडेक के लिए जो हम मेडिसिन यूज करते हैं, तो बेसिकली डिस्पिरिन इज व्हाट, डिस्पिरिन इज एन एनर्जेटिक व्हिच लाइक डिक्रीजेस एनी काइंड ऑफ पेन इन द बॉडी। सो इफ वी वांट टू लाइक एस्पिरिन इज आल्सो एन एनर्जेटिक। सो द स्टडी ऑफ दीज स्मॉल मेडिसिन हम ध्यान नहीं देते, लेकिन अगर हम ध्यान से अगर हम पढ़ें अगर इसे, तो इस चीज़ को हम समझ सकते हैं कि हाउ केमिस्ट्री इज इम्पॉर्टेंट डे। देखिए, अगर आप जेई की बात करें, जेई में इस चैप्टर का इतना इंपॉर्टेंस नहीं है, लेकिन अगर आप एक केमिस्ट्री अगर आप अच्छे लेवल पे स्टडी कर रहे हैं, तो यू शुड स्टडी दिस चैप्टर ऑल्सो, बिकॉज दिस चैप्टर हैज़ अ वेरी डीप यू कैन से ऑब्जर्वेशन इन आवर डेली लाइफ, दैट हाउ केमिस्ट्री इज इन्वॉल्व इन ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ आवर लाइफ। So this can be studied here. Apart from this, एक और important चीज़ है जो हमें इस chapter में पढ़नी चाहिए, वो एक vitamins की study हम कर सकते हैं। Vitamins कैसे important हैं, या छोटे छोटे molecules कैसे important हैं, या फिर एक और important चीज़ जो इसमें chemistry and everyday life में जो I think जो बहुत सारे बच्चे छोड़ देते हैं, वो एक important चीज़ ये है कि हमें कुछ structure बनाने को कई बार, मतलब JEE में भी पूछा गया है कि पैरासिटामोल का स्ट्रक्चर कई बार मतलब पूछ लेते हैं कि भाई कोई कंपाउंड आपको दे दिया, आपको स्ट्रक्चर पता है कि नहीं, OH का कनेक्ट है, H कनेक्ट, तो वो भी हमें पता होना चाहिए। तो हम यहाँ स्टडी कर सकते हैं, तो जितनी डिफरेंट मेडिसिन है वो हम यहाँ स्टडी कर सकते हैं। थैंक यू।